हरियाणा विधानसभा चुनावों का तूफान थमने के बाद नेता कैसे अपनी थकान उतार रहे हैं, इसको लेकर हमने अंबाला छावनी का दौरा किया। यहां से बीजेपी नेता खट्टर कैबिनेट के मंत्री अनिल विज ने चुनाव लड़ा है। विज दोस्तों संग अंबाला छावनी के सदर बाजार चौक पर सड़क किनारे गानों का लुफ्त लेते हुए चाय की चुस्कियों के साथ अखबारों की सुर्खियां पढ़ते नजर आए। विज से हमने बात की और पूछा कि चुनावों की व्यस्त दिनचर्या और इतने दिनों की भागदौड़ के बाद कैसे वो अपनी थकान उतार रहे हैं। तो इस पर विज ने कहा कि उन्हें थकावट नहीं होती क्योंकि वो चुनावों का मजा लेते हैं और वो बड़े आराम और प्यार से चुनाव लड़ते हैं। नहीं, हम थकावट वाला काम ही नहीं करते चुनाव में। हम तो मजे से लड़ते हैं, इंजॉय करते हैं चुनाव को, और चुनाव के दौरान भी रोजाना यहीं ऐसे ही बैठते थे। ये हमारा टी पॉइंट है, 25-30 सालों से हम यहाँ पर बैठते हैं, खाते हैं, सब गपशप करते हैं, दोस्त, हर तरह की बातचीत होती है, और इसके बाद ही हम चुनाव के लिए जाते थे, रूटीन है हमारा ये। तो आज जो है, क्योंकि कल ही जो है वोटिंग होकर हटी है, तो आज जो है किस तरीके की बातें? नहीं, चुनाव संबंधी बातचीत भी हो रही है और विशेष तौर से इस बात पर चर्चा हो रही है कि परसेंटेज इतनी लोग क्यों गई है। लोगों के अलग अलग आंकलन है, कुछ लोग बता रहे हैं कि 3 छुट्टियाँ इकट्ठी हो गई थी, कुछ लोग बाहर चले गए, और कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि कल महिलाओं का कोई व्रत था और व्रत के कारण महिलाएं वोट डालने के लिए कम निकली हैं। तो अलग अलग आंकलन है, पर ये निष्कर्ष निकालने वाली बात जरूर है कि इतने सालों के बाद ये परसेंटेज इतनी लो क्यों गई है। वे चुनावों की भागदौड़ के बीच भी यहाँ रोज बैठते थे, यही चुनावी मुद्दों पर बात करते थे, और आज भी वे चुनाव के मुद्दों पर बात कर रहे हैं कि इस बार चुनाव में वोटिंग प्रतिशत क्यों घटा। अंबाला से न्यूज़ के लिए कृष्णा बाली की रिपोर्ट।